वही करना होगा, ठीक है। जब भी बटन हमने किया वो ये कि हमने इसकी सोर्स डॉट टेस्ट पे जाके ये हमने जो बाय डिफॉल्ट रखे हुए थे, ये जो फंक्शंस हैं जिनका नाम सेम है एज योर क्लास, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये क्या करते हैं ऑटोमेटिकली, और ये जो इनको जाके डिफाइन क्या करते हैं, इनको सी डिफाइन, ठीक है। हमने पहले इस पर कोई कोड लिखा हुआ था, मैंने रियल जीरो जीरो दोनों matches the argument this type as end. पता क्या कहना चाहता? कह रहे हैं आपने जो constructors वहाँ पर available हैं इस class के, वो ना कोई parameter नहीं है, और आपने parameter दो pass कर दिया, बस में तो इसे कहते हैं function over overloaded. तो actually मैं काम कर सकता हूँ, बोले कि मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके जिस तरह ये constructor बनाऊँ, मैं एक और constructor बनाऊँ, और उसके अंदर मैं एक integer r भेज देता हूँ और एक integer आई, ठीक है, और यहां पर जाके मैं इसको रीडिफाइन, ठीक है। अरे ये थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा बग है, वो लेके इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ये लिखा, क्या मतलब, आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको मैं डिफाइन, ठीक है। जब सी की फाइल में जाके कर रहा है तो आपने प्लीज ये नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपने भूल गया तो ये एरर दे देगा, ठीक है। और बाद में ये तो कंस्ट्रक्टर ना कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वरना रिटर्न टाइप अगर दिए लिखी हो तो आप इससे भी पहले ये देखिए, और हमें यहाँ पता करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ रियल इज इक्वल टू आर, और यहाँ लिखता हूँ इमेज इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखना क्या, ये मैंने सेव कर दिया, यहाँ गया और ये देख लीजिए मेरा खत्म हो गया, और अब मैं देखना कैसे चलता हूँ, ठीक है। बेटा आपका नाम है कौन सा, चले अब देखना क्या होगा, अब कोमल क्या करेगी, कोमल यहां पर F11 प्रेस करेगी, ठीक है। अब राउंड प्रेस करने का मतलब ये है कि एक्चुअली कौन सा कंस्ट्रक्ट कॉल हुआ, हाय हाय नहीं पता, हां जी, अब इसका ये जो नया कंस्ट्रक्ट ने बनाया वो वाला कॉल है, क्यों, क्योंकि अब आपने दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्ट कॉल किया, ये बस में सो F10 प्रेस करेंगे बेटा, ये real is equal to r करें जो पहली वैल्यू पे भेजी है ना, वो है जो कि पहले में r आई, मैंने क्या वैल्यू भेजी है, 2 और 3 देखिए, 2 और 3 वैल्यू आई, ठीक है। ये real is equal to r करेंगे, लिख करें बेटा, करें अटेंड में करें, तो real की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। और अभी इमेज इज इक्वल टू आई करें, क्या हुआ, अटेंड में करें, अरे इमेज में वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, है ना, अटेंड में करें, आप हमें से बाहर आइए, क्या बेटा मेरा आपसे सवाल है, तो ये इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हमने वहां उस फंक्शन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि c1 डॉट रियल इज इक्वल टू s, हमने कहीं नहीं लिखा c2 डॉट रियल इज इक्वल टू s। सवाल ये है, बोलो प्रोफेसर साहब पता है वो खामोश रहे, मेरा सवाल ये है इसको पता कैसे चलता है कि मैंने c1 का रियल चेंज करना है या c2 का रियल, हमने ये लिखा हुआ c1 डॉट रियल इज इक्वल टू r, है ना, हमने ये भी नहीं लिखा हुआ c2 डॉट रियल, दोनों के लिए कोड तो एग्जैक्टली सेम चला है। सवाल ये इसको पता कैसे चलता है कि अब मैंने c2 की मेमोरी में चेंज किया और पहले रियल वर्ड को उसने c1 की मेमोरी में चेंज किया, कोड एग्जैक्टली सेम है, इसे पता कैसे चलता है कि मैंने c1 की मेमोरी में चेंज करना है c2 की मेमोरी में, जो उसके लिए कॉल है एक नहीं तो पता, कोड तो वही है ना, कोड वही है तो पता कैसे चला, हमने तो यहां पे रियल लिखा है, यहां पे मैं c1 डॉट रियल थोड़ी लिखा था, सर हमने रिफ्लेक्शन नहीं का सब्जेक्टिव होना है, जब इसकी एक अलग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट तो उसके लिए कॉल हो रहा है, उसको नहीं इससे कैसे 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 भाव मैं कह रहा हूं कि ये चीज कैसे हो, हां पहले C1 के लिए उसने किया, बाद में C2 के लिए, पता कैसे चला कि पहले C1 का चेंज करना है C2 का चेंज करना है, C2 ने
एक बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, मुझे बताऊंगी ये हमारी आपसे रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है राज के सर है। चलो ठीक है, हमें वीडियो अपलोड नहीं करते, ये हमारी है ठीक है। अच्छा चलिए देखना है एक्चुअली मगर ना ये अच्छा जी यार मार इधर ले लिया अच्छा ये लो राज का ठीक है। होता क्या है कि जब हम ये लिखते हैं एक्चुअली ये नहीं लिखा जाता, एक्चुअली ये पता क्या लिखा जाता, लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सीमा सही कहा। तो क्या है कि ये सी मोनिक बन जाएगा जो के जिसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी, इसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी गार्बेज ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये अब आप ये अब सी कर ठीक है ऑटोमेटिकली सी वन डॉट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसके अंदर जो ये वाला कंस्ट्रक्टर मौजूद है ना ये वाला कॉल करो, इसके अंदर पैरामीटर क्या लिखना 2 3 ये होगा 2 और 3 साथ एक थर्ड पैरामीटर पास होता है जो कि होता है एड्रेस ऑफ सी वन। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे ना एड्रेस होता है नीचे करना माउस से ऊपर नीचे 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 कर दो हाँ ये देखिए ये देखिए प्लीज समझ में प्लीज समझ में ये देखिए होता क्या ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये झूठ लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर पास क्या होता है, यहाँ पास होता है वहाँ पर ना ये तीसरा पैरामीटर भी पास हो रहा है एड्रेस ऑफ सीमा। एक्चुअली यहाँ पर ये दो पैरामीटर तो पास होते ही होते हैं, साथ इसके एक और पैरामीटर पास होता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या स्टेरिक और उसका नाम होता है दिस। ओके व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली और जब आप देखते हैं ना रियल इज इक्वल टू आर बेटा ये दरमियान में जब देखा ना ये जो एरो होती है दरमियान में क्रॉस नहीं कहा इसकी भी दरमियान में करो जब आप लिखते हैं रियल इज इक्वल टू आर ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता है इसमें दिस डिस्टेरिक डॉट क्या मतलब है? अब जो आपने कॉल किया था कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के लिए तो ये C1 का एड्रेस यहाँ हो रहा है, तो ये क्या C1 के एड्रेस को डी एड्रेस करेगा और उसके अंदर डॉट करके रियल हो जाता है। इसी को कहने का एक और शॉर्टकट भी होता है जिसे कहते हैं दिस एरो ओके और आमतौर पर यही यूज किया ठीक है। तो ये भी फिर ऐसा एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है बेटा कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर दिस एरो के अंदर और अगर यहाँ पे हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली एक थर्ड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पास होता है जो कि एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है एड्रेस का। सब समझ में आ रही बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच बैठे। लुक एट दिस, सो एक्चुअली जब हम यहाँ पे लिखते हैं रियल इज इक्वल टू आर और इमेज इज इक्वल टू आर एक्चुअली दिस एरो इमेजरी पे वेवली आती है और रियल में आती है यहाँ पे हम आगे और यहाँ पे ठीक है। सो एक्चुअली अब अगर मैं चाहूँ तो ये मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ ताकि ये सीधा हो जाए ठीक है। यू कैन एक्चुअली सी के पहले के अंदर ये वैल्यूज आई हैं ठीक है। डज इट मेक सेंस। अच्छा एक छोटी सी बात, अगर क्या कि मैं ये लिखूँ ना सी आउट सी वन डॉट क्लियर, अगर मैं ये लिखता हूँ ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ ना आज को बिल्ड कर क्या क्या बात है सॉरी यहाँ लिखा था
था प्राइवेट, ओके एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट. प्राइवेट इज अ सेक्शन ऑफ योर कोड विच विल बिकम ए कैप्शन, ओके. यानी कि आप वो सेक्शन जो कि आप प्राइवेट सेगमेंट के अंदर लिखते हैं क्लास के अंदर, वो एक्चुअली क्या बन जाता है, एक्चुअली कैप्सूल बन जाता है. यानी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड को नजर नहीं आएगा. ये बात नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब क्या है? आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है सोर्स डॉट सीवीपी. और ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जब मैंने c1 डॉट रियल को डिस्प्ले करने की कोशिश की है तो मैंने क्या लिखा, मेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन रियल is inaccessible. तो एक्चुअली उसका प्राइवेट एट्रीब्यूट है और हम वो कैप्सूल के अंदर क्या है, ये बात क्लियर है ना? आप मुझे बेटा ये बताएं, क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सीपीपी के अंदर भी इनएक्सेसिबल होगा? क्यों? क्योंकि कंप्लीटली प्राइवेट ही है, लेकिन फिर वो यू यहां पे एक्सेसिबल है. क्यों? क्यों? क्योंकि ये उसी क्लास का ही फंक्शन है जो मैं लिख रहा हूं. अगर मैं उसी क्लास के फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं तो उसके अंदर उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेसिबल हो सकता है. ये देखो, अगर मैं किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट करता हूं तो प्राइवेट का मतलब है कि आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल नहीं, लेकिन इस क्लास के फंक्शन को एक्सेसिबल है. एक्चुअली ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ फंक्शन लिखा है जो कि इसका कंस्ट्रक्टर है. इसमें रियल और इमेजिनरी को मैं चेंज कर सकता हूं, ऑल्दो ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन किसका है? इसकी क्लास का. बस नहीं, लेकिन मैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए मेन में जब जाऊंगा वहां पर जाकर अगर मैं उसके डॉट रियल वर्सेस करने की कोशिश करूंगा तो उनको एक्सेसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने सोर्स डॉट सीवीपी बनाया, ये देखिए यहां पे एरर. ठीक है, एक बात सुन लीजिए, मैं अब एक और काम कर रहा हूं. ये देखिए, ये मैं फंक्शन बना रहा हूं void print. ठीक है, मैंने एक प्रिंट फंक्शन बनाया कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर. ठीक है, लुक एट दिस. अब मैंने इसको डिफाइन, इसको मैंने डिफाइन करने जा रहा हूं. ठीक है, ये देखिए यहां गया, यहां जाकर मैंने पेस्ट किया. प्लीज खामोश रहे, इसको पता नहीं लगता खामोश है. मैं जाकर लिखता हूं सी आउट. हां जी, क्या था दिस एरर लियो था और उससे पहले मैं क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड क्या नहीं किया, फाइल स्ट्रीम इंक्लूड नहीं किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीपी. ठीक है, मुझे बताएं ये एरर क्यों है. ये कह रहा है देखिए, दिस में ओनली बी यूज इनसाइड ए नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. पता नहीं इसका काम, लेकिन जी क्या मतलब, शाबाश, क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन मैं बना रहा हूं ये क्लास का डेटा मेंबर, और मैंने क्लास का नाम लिखकर कॉलन कॉलन यहां पर नहीं लिखा, तो क्या होगा, ये कहेगा ये आप कोई लोकल फंक्शन बना रहे हैं, ये कोई आपका क्लास का फंक्शन नहीं है. और क्लास के फंक्शन में तो दिस एक्सेसिबल होता है, ग्लोबल फंक्शन में दिस एक्सेसिबल नहीं होता. सो एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर का को यहां से कॉपी करें, यहां से ये लिखें और ये लिख दिया, बस ना. ये रहेगा जी सोर्स डॉट सीवीपी में आए, यहां मैं लिखता हूं c1 डॉट प्रिंट और सी आउट एंड एल कर देता हूं. यहां पे c2 डॉट प्रिंट करता हूं, ठीक है, बल्कि यू लिखता हूं सी आउट प्लस सी आउट इक्वल टू. और ये देखिए, अब मैं कहता है करता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक और बना रहा हूं, तो नाम रखता हूं c3. ठीक है, ये कौन सा कंस्ट्रक्ट कॉल करेगा जैन? ये कौन सा ये तो कंस्ट्रक्ट कॉल करेगा जिसमें दो पैरामीटर कौन सा, ये कौन सा कंस्ट्रक्ट कॉल करेगा जो मैं पहला बार बनाया जिस जो रियल और इमेजिनरी दोनों की वैल्यू का साथ मिलता जीरो जीरो. ठीक है, क्या एक बात, मैं एक काम और करता हूँ, ये कि मैं जाता हूँ डॉट एच में और यहाँ पे ना एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी रिजल्ट टाइप है.
और नाम है इसका ऐड और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही एज ए पैरामीटर बनता है, इसका नाम रखता है लेट्स से बी कर, ठीक है, आप सी टू भी कह सकते हैं, आप जो मर्जी नाम देना चाह सकते हैं, ठीक है। मैं यहां गया, यहां जाके मैंने ये लिखा, जैन बेटा बताया इसमें क्या बोलती है, वही वाली कॉम्प्लेक्स नंबर कॉलन कॉलन मैंने यहां पे नहीं लिखा, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। पहले आपको बताना पड़ता है रिटर्न टाइप, फिर आपको बताना पड़ता है क्लास की नेम, फिर कॉलन कॉलन लेके फंक्शन का नाम, फिर जो पैरामीटर लिस्ट देनी होती है, ठीक है। डज इट मेक सेंस यार, उसी थोड़ा जूम करना, हां जूम, यहां पे लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न टाइप, फिर लिखते हैं क्लास नेम, फिर लिखते हैं कॉलन कॉलन, और फिर क्या लिख देते हैं, फिर लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन नेम, और फिर लिखते हैं पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ये देखिए, यहां मैं ऐड को डिफाइन करता हूं, मैं यहां लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर C2 फंक्शन है रिजल्ट, और यहां मैं लिखता हूं रिजल्ट डॉट रियल इज इक्वल टू दिस एरो रियल प्लस बी डॉट, और यहां लिखता हूं रिजल्ट डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू दिस एरो इमेजिनरी प्लस बी डॉट इमेजिनरी, ये बात सुनाई, और यहां करता हूं रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब मैं जाता हूं मेन, ये C3 को बराबर कर देता हूं, भला पता है क्या, C1 डॉट ऐड, और यहां क्या करता हूं, यहां पर मैं C2, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और ये देखिए, ये देखिए, यहां पे मैं एक C4 भी बनाता हूं और इसका नाम रखता हूं, ये देखिए जी प्लीज, यहां मैं रखता हूं C2 डॉट ऐड और यहां करता हूं क्या, C2 बस ना, ठीक है। और अगर मैं कर दूं C3 डॉट प्रिंट तो क्या प्रिंट होगा, C1 और C2 के एडिशन, अगर मैं C4 डॉट प्रिंट कर दूं क्या, C2 as a this pass हो जाएगा और C3 जो है वो as a क्या pass होगा, parameter pass हो जाएगा जिसके अंदर value क्या आ चुकी है, बताओ C1 और C2 के addition की value आ चुकी है, तो actually C2 और C3 add होगी और जो भी C4 में answer आएगा वो दोनों की addition, ये बात समझ आई, everybody understand this, okay, so look at this, look at this, हम एक काम करते हैं और काम यह है कि यहां गए, प्लीज लुक एट द बोर्ड, लेट्स चेक कि ये हो रहा है कि नहीं, ये मैं चला रहा हूं, ठीक है, ये देखिए ये मैंने सी वन डॉट प्रिंट किया, क्या प्रिंट होगा, जैन बताओ क्या प्रिंट होगा, इस लाइन को प्रिंट करने से क्या प्रिंट होगा, 2 और 3 और फिर साथ एक और प्लस भी लिखा हुआ है ना, तो ये देखो ये मैंने एक्सटेंड कर सकता, ठीक है, अग्री, तो ये देखो ये प्रिंट हो रहा है 2 3, अच्छा थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूं, फॉन्ट हम बड़ा कर देते हैं, ये 2 3 प्लस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। आप बताएं बेटा, 4 शाबाश, 4 और 8 प्रिंट होगा और इक्वल टू प्रिंट होगा, ठीक है। और ये देखिए C3 is equal to क्या हो जाना चाहिए, मतलब C3 में भी क्या वैल्यू आ रही है, मतलब टू का वैल्यू आ रही है क्योंकि अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ओके। अब सबसे पहले क्या कॉल होगा बता दें, सबसे पहले C1 dot add होगा, ओके, और फिर उसका क्या बनेगा, उसका पहले रिजल्ट कंप्यूट होगा और फिर वो वैल्यू आके यहां पे C3 में रखी जाएगी, ठीक, देखते हैं ये हो रहा है नहीं। तो ये देखिए यहां पे मैं अगर F11 प्रेस करूं सबसे पहले कौन सी चीज कॉल होगी जी बताएं, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ, F11 करते हैं कॉल, एक्चुअली C1 dot add कॉल हुआ है, ठीक है। बाद में एक छोटी सी चीज और भी है, मैं थोड़ा दिखाऊं ना, ये देखो क्या है, F10 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 F11 करूँ मैं, तो ये देखिए ये add कॉल हुआ, add में क्या कॉल हुआ है, रिजल्ट बना है, रिजल्ट में देखिए क्या क्या वैल्यू, ये रिजल्ट में क्या वैल्यू आई है, सीपीयू में 00, क्यों 00 आई है, क्योंकि 00 वाला का सेक्टर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और यहां पर जब मैंने दिस डॉट इमेजिनरी किया तो ये दोनों की एडिशन हो गई और ये रिटर्न रिजल्ट हो गया, रिटर्न रिजल्ट जब हुआ
तो ये वैल्यू देखिए उसने कहा मैंने ऐड के बाद रिटर्न रख किया 611 देखो ऊपर लिखा हुआ है और अब मैं F10 प्रेस करूं तो C3 में देखो अभी तक C3 में ये देखो C3 में वैल्यू आ गई 611 यू वाज राइट अब जब मैं C4 पास करूंगा तो एक C2 में वैल्यू है कितनी देखें 4 और 8 और C3 में क्या वैल्यू 611 तो इन दोनों का आंसर क्या है यस तो ये देखेंगे C4 में क्या वैल्यू आ गई 10 और 19 बस नहीं अब जब मैं C3 डॉट प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा जो C3 में वैल्यू है और अगर मैं C4 डॉट भी यहीं पे प्रिंट करना हो तो एक तरीके ये कि मैं यहां पे कोड लिख लूं है ना एक मैं आपको एक तरकीब दिखा ये आया ना वॉच ये देखें आप लोकल होता है ऑटो होता है और एक वॉच भी होता है इसमें जाके अगर मैं लिख दूं ना ये देखें C4 डॉट प्रिंट हाय 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 ये देखो क्या ये एंटर ये I think that's it for today. Silence, please.